तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन है हमारा यहाँ से, वेरी वेरी एमपी है, स्पेशल ग्रुप है ये, सॉरी। तो स्पेशल ग्रुप मतलब यहाँ से क्या होता है, जेड एन यू एन एस एन कॉन्टिनेंटल ग्रुप, ये सारे हैं एमपी हैं। अभी फिलहाल के लिए हम जानते हैं जेड एन, जेड एन होता क्या, जेड एन जो है जेड एन बराबर 0 1 2 3 अप टू एन माइनस वन लिखा गया। जैसे इंटीजर का सेट होता है जेड, उसी तरह से जेड एन होता है 0 1 0 से चालू होता है 0 1 2 3 अप टू एन माइनस वन तक के एलिमेंट इसमें आते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रेसिड्यूज क्लास मॉड्यूलो एन बोलते हैं। जेड मान लीजिए, जैसे जेड बराबर होता है हमारा इंटीजर का सेट होता है 0 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 अप टू एन होते हैं। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। अगर ये सेट ऑफ इंटीजर है तो मान लीजिए इनमें से कोई भी एक ए उठा लीजिए, ए मीन्स कोई भी एक इंटीजर है जेड का मेंबर है, तो ये जो है हमारा रेसिड्यूस कहलाता है मॉड्यूलो एन में जेड का, ठीक है। इसे दर्शाते कैसे हैं, इसे डिनोट किससे कर सकते हैं, ये ब्रैकेट बना लीजिए और ए लिख दीजिए, और ए में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट इंटीजर से ही आएंगे, ध्यान दीजिए इन्हीं में से ही आएंगे, लेकिन ये जो एन हमारा है, एन मॉड्यूलो लगा रहे हो तो एन हमेशा इसको डिवाइड करेगा किसको, एक्स माइनस ए। जैसे जीरो का रेसिड्यूस निकालना बोले, जीरो का रेसिड्यूस क्या होगा, रेसिड्यूस क्लास, तो जीरो का रेसिड्यूस क्लास में एक्स आएंगे जेड के ही मेंबर होंगे, यानी कि इंटीजर ही होगा, और वो ऐसे इंटीजर होंगे जो एन जो है माइनस एन डिवाइड कर जाए एक्स माइनस जीरो को। जैसे यानी कि ये एक्स क्या होंगे, इसमें कौन कौन से इंटीजर आएंगे, जीरो आएंगे, एन आएगा, टू एन, क्यों, क्योंकि देख लो एन एक्स की वैल्यू अगर हम एन लेंगे तो एन माइनस जीरो एन को डिवाइड कर जाएगा, तो टू एन लेंगे तो एन माइनस समथिंग करेंगे, तो ये हमारा जो है इसका देखा जाए रिमाइंडर जो है ना जीरो आएगा, ये एन इसको डिवाइड कर जाएगा, एन जो है डिवाइड कर जाएगा टू एन, एन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इन सभीों का रिमाइंडर जीरो आएगा जब एन से आप डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो है इसलिए जीरो का रिमाइंडर जीरो ही आएगा। जीरो कोई ऐसी संख्या जिसको आप भाग कर रहे हो और उसको रिमाइंडर निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो, क्यों, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, रेसिड्यूस क्लास जीरो का निकाल रहे हैं। सिमिलरली रेसिड्यूस क्लास किसका निकाल रहे हैं, वन का, तो वन का निकालना है मतलब कि आप उस संख्या को भाग करने पे आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल वन ले लीजिए, एन प्लस वन ले लीजिए, क्योंकि एन से डिवाइड हो जाएगा तो एन इसका रिमाइंडर आ जाएगा, वन इसका रिमाइंडर आ जाएगा, टू एन थ्री एन एंड सो ऑन जाएंगे इधर और इधर निगेटिव आएंगे। टू का रेसिड्यूस निकालना है तो ऐसे एन आएंगे जो x माइनस टू को डिवाइड कर जाए, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हो रिमाइंडर टू आना चाहिए, वो सारे इंटीजर जिनको n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर टू आ जाए उसे हम टू का रेसिड्यूस क्लास बोलेंगे। इसी तरह से n माइनस वन और इन सारे के कलेक्शन को हम जेड एन से डिनोट करते हैं। ये वेरी एमपी है, जेड एन से डिनोट करते हैं, जेड एन बराबर में क्या आ जाएंगे, जीरो का रेसिड्यूस, वन का रेसिड्यूस, टू का रेसिड्यूस, एन माइनस वन का रेसिड्यूस, और ये कहीं ना कहीं हमारा 0 1 2 3 ही लिख सकते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कैसे एक एग्जांपल दिया हूँ मैं कि क्या जेड एन ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। तो देखिए जेड एन इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन बोलते हैं इसको, जेड एन और बेस सफिक्स में लिखा जाता है एन, और यहाँ पर प्लस जो अबेलियन, यहाँ पर आप एडिशन मॉडुलो ले रहे हो यानी कि आप ऐड करोगे और एन से कोई भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एलिमेंट, तो यहाँ पर एडिशन एन लिखा जाता है। जैसे जेड एन में लिख दिया 0 1 2 3 अप टू एन माइनस वन और एन मॉडुलो एन है और एडिशन है, तब ध्यान दीजिए कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे इनमें से, ए और बी कोई दो एलिमेंट उठाते हैं तो इनका सम ऑलवेज एक इंटीजर आएगा और वो मॉड्यूलो एन में ही होगा, ये क्लोजर तो होगा, सेम एसोसिएटिव भी होगा ही होगा। और आइडेंटिटी इसमें खोजना है तो आइडेंटिटी हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, जीरो एक ऐसी नंबर है जीरो को किसी के भी साथ जोड़ते हैं तो हमारा वही नंबर आ जाता है, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, तो ये जीरो हमारा क्या आइडेंटिटी होता है। उसके बाद करते हैं इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स क्या होते हैं जेड एन में, अगर ए कोई मेंबर है जेड एन का तो एन माइनस ए क्या कहलाता है, इसका इनवर्स होता है, एन माइनस ए क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ए प्लस इनवर्स करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, तो ए प्लस एन माइनस ए करेंगे तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा, और एन का एन मॉड्यूलो लगाएंगे तो जीरो आ जाता है। तो इस वजह से अगर कोई भी एलिमेंट अगर ए जेड एन का मेंबर है तो उसका इनवर्स पूछे क्या होता है, तो इनवर्स हमारा एन माइनस ए होता है, और इसे ये इंटीजर है इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, इसलिए जेड एन हमारा जेड एन प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, एक अबेलियन ग्रुप बनता है।
इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिया हूं मैं, Z4 लिया हूं, और हमारा बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, और बेस में सफिक्स में क्या रहेगा, 4, मतलब कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 4 लिया गया है। अब ये देखते हैं चैट 4 में क्या आएंगे, वो सारे एलिमेंट 0, 1, 2, 3 और 4 माइनस 1 कितना है, 3, यानी कि 3 तक ही एलिमेंट आएंगे, 4 भी इसमें नहीं आएगा, 4 के बदले उसके हम 0 लिखेंगे। अब मैंने इसका कैले टेबल बनाया, कैले टेबल से इजी समझ में आता है, तो प्लस 4 लिख दिया हूँ, 0 1 2 3 और 0 1 2 3 लिख दिया। अब 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 होता है, अब 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 1 प्लस 3, जैसे ही करता हूँ 1 प्लस 3 कितना हो जाता है, 4 4 इस सेट में है नहीं, बट 1 प्लस 3 को 4 लिख सकता हूँ, और 4 एज वेल एज किसके होता है, 0 के, यानी कि मॉडुलो 4। अब 4 लगाएंगे इस मॉडुलो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ये हमारा रिमाइंडर होता है। उसके बाद देखिए 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2, अब 2 प्लस 2 कितना होता है, 4, तो 4 को हम 0 बोलते हैं। फिर 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और 5 को क्या ले सकता हूँ, 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 4 1 जा 4 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो फिर सेम वैसे ही 3 को लिए, 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 0 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 किसके इक्वल होगा, 0 के, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, और 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 प्लस 3 करने पे 6 होगा, और 6 हमारा किसके इक्वल होगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, ये जो एलिमेंट आए हैं, ध्यान दीजिए, जो एलिमेंट आए 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3, वही सारे एलिमेंट है, यानी कि इसी के मेंबर है, तो ये क्लोजर तो हो गया, इसी से पता चल गया, क्लोजर कोई भी एलिमेंट उठाओगे जोड़ोगे तो इसी में ही आएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। आइडेंटिटी इसमें कौन होगा, आइडेंटिटी हमारा 0 है इसमें, इस प्रकार से किसी को भी साथ जोड़ोगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा, तो इस सेट में हमारा आइडेंटिटी भी पा गया। और इन सभी का इनवर्स खोजना है, और मैंने इनवर्स अभी कहा है, ZN में इनवर्स कैसे होते हैं, n माइनस है, 0 तो आइडेंटिटी इसका तो खुद इनवर्स होता है, 1 का इनवर्स खोजना है, तो 1 का इनवर्स कौन होगा हमारा, 1 का इनवर्स होगा n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 कितना होगा, 3। 2 का इनवर्स खोजना है, तो 2 मॉडुलो कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, यानी कि सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, यानी कि सेल्फ इनवर्स हो गया। 3 का इनवर्स खोजना है, तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। इनवर्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा 3 का इनवर्स कौन है, तो 3 का इनवर्स मैंने कहा 1 है, कितना आएगा, 3 प्लस 4 4, और 4 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये हमारा कौन आ गया, आइडेंटिटी, तो ये 3 का इनवर्स होगा कौन, 1, तो 3 का इनवर्स मैंने क्या लिखा है, 1, ये 2 का इनवर्स 2 होगा, क्योंकि और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये हमारा कम्यूटेटिव भी होगा, इसलिए ये अबेलियन भी ग्रुप बन गया, यानी कि ZN प्लस जो होता है हमारा, ZN प्लस ये जो ग्रुप बनाता है, कौन सा ग्रुप बनाता है, हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हूं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ Z7 प्लस, यानी कि आपको बाइनरी ऑपरेशन तो प्लस है, और हमारा क्या है, जी क्या है, Z7 है, Z7 में कैसे आते हैं एलिमेंट, सारे एलिमेंट आएंगे 6 7 से कम, यानी कि 6 तक, 7 माइनस 1 करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी Z7 कहलाते हैं, ऑपरेशन का लेना है हमें +7 लेना है। अब मैंने क्या क्वेश्चन लिखा, सिर्फ और सिर्फ इसके आपको इनवर्स बताने, इनवर्स का मैंने फॉर्मूला बता चुका है, कोई भी एलिमेंट अगर जेड में है तो जेड के में एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, एन माइनस ए टाइप के होते हैं, तो एन माइनस ए, तो बताइए 0 तो आइडेंटिटी है, तो ये इसका तो सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, 0 0 का आइडेंटिटी का इनवर्स खुद ही होता है, याद रख लीजिए, वो प्रॉपर्टी जब मैं कराऊंगा तो वहां पर पूरी प्रॉपर्टी लिखा जाएगा आपको। उसके बाद होता है 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स खोजना है तो आप ऐसे भी खोज सकते हैं, इनमें डायरेक्ट 1 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए आइडेंटिटी, तो 1 में आप सीधा 6 से जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में 4 5 जोड़ेंगे तो 1 और 2 7 7 माइनस का मॉड्यूल लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में 4 का, यानी कि देखिए ये जो 1 है ये 6 का इनवर्स है, 2 4 का इनवर्स, 2 5 का इनवर्स है, और 3 4 का इनवर्स है,
तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला के मेथड से एन माइनस ए करना है तो 1 का इन्वर्स है 7 माइनस 1 कर दीजिए 6 आ जाएगा, 2 का इन्वर्स यानी 7 माइनस 2 5 कर दीजिए, 3 का इन्वर्स 7 माइनस 3 4 का इन्वर्स 7 माइनस 4 5 का इन्वर्स 7 माइनस 5 कर दीजिए, 6 का इन्वर्स 7 माइनस 6 करके ये जो आएगा ये हमारा क्या कहलाता है, देखिए ये इसका इन्वर्स यानी 6 का इन्वर्स 1 है, देख लीजिए 6 का इन्वर्स 1 है, 5 का इन्वर्स कौन है 2, 5 का इन्वर्स 2 है, तो ये हमारे इन्वर्स है। इस ध्यान दीजिए इस जेड एन प्लस को क्या कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। तो ये हमारा एक ग्रुप जनरेट करता है, कौन सा ग्रुप होता है, ये हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट एक हमारा है यू एन, ये भी वेरी एमपी है, यू एन ग्रुप, यू एन इसको बोलते हैं यू एन। यू एन होता क्या है, यू एन में वो सारे एलिमेंट आते हैं, नेचुरल नंबर आएगा और इस जो एक्स आएगा वो एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एन से छोटा होगा, एन नहीं होगा, यानी कि आप अगर यू 5 ले रहे हैं तो कभी इसमें 5 नहीं आएगा, 5 से कम ही तक के एलिमेंट आएंगे, ये यू एन बताता है। और ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका जी सी डी, ये जो एक्स वही आएगा जो एक्स और एन का जी सी डी, जी सी डी कितना आना चाहिए इसका 1 आना चाहिए, अगर ऐसा आ जाए तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये सारे इसके एलिमेंट बन जाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। वो था हमारे जेड एन, क्या था हमारा एडिशन मॉडुलो था, और यू एन क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। ध्यान दीजिए एन का मान यहाँ पर जो भी एन यूज होता है ये यू एन, वो यू एन एन में क्या लेते हैं हमेशा 2 या 2 से बड़ा लेते हैं, यू वन में तो 1 ही आएंगे क्योंकि वो तो 1 ही एलिमेंट है, जैसे डी 1 ही आएगा तो 1 और 1 1 ही आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, तो यू यहाँ इसलिए यहाँ पर जो डिफाइन होता है वो एन का मान 2 से बड़े के लिए होता है या 2 के लिए होता है। अब चेक करते हैं ग्रुप कैसे बनता है, तो ग्रुप कैसे बनता है ध्यान दीजिए इसको थोड़ा बारीक से समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल दिख रहा है लेकिन है बहुत ही जी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट उठाए मैंने किससे, यू एन से, ये यू एन के 2 मेंबर हैं। अब यू एन में है मतलब इसका जी सी डी ए और एन का जी सी डी 1 आएगा और बी और एन का जी सी डी भी 1 आएगा। अब जी सी डी 1 आने से क्या मतलब होता है, ये हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा है कि कोई 2 मेंबर का जी सी डी अगर 1 है, यानी कि मैंने क्या कहा, ये एक फॉर्मूला बनता है कि इफ जी सी डी ऑफ ए और बी का कितना आता है डी, देन डी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ एक्स और वाई कोई 2 इंटीजर है, एक्स और वाई कोई 2 इंटीजर है, यानी कि क्या बोलते हैं अगर जी सी डी ए और बी का जी सी डी अगर कोई आता है तो उसको इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, और एक्स और वाई कोई इंटीजर अपन हम खोज सकते हैं ऐसा इंटीजर जिसको सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये इसे आप नोट कर लीजिए, इसी के बेस पे ये बना है क्वेश्चन। तो जी सी डी ऑफ ए और एन का कितना है 1, अब 1 का जी सी डी है मतलब हमारे पास कोई 2 ऐसे इंटीजर हो सकते हैं, होंगे ही, बिलोंग करता है कि इस 1 को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, यानी 1 को मैं ए और ये जो इंटीजर मैंने खोजा है एक्स वन और एन वाई वन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार बी और एन का जी सी डी 1 है तो इनके भी बीच में एक ऐसे 2 इंटीजर लाई करेंगे कि इस 1 को अपन बी एक्स टू प्लस एन वाई टू लिखा जा सकता है। अब ये इक्वेशन 1 दे दिया, ये इक्वेशन 2 दे, हमको इसका क्लोजर, क्लोजर में होता क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ए डॉट बी करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको और इसको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, 1 को 1 इंटू 1 1 हो गया और ये इंटू ये कर दिया लेफ्ट, ये अब इंटू कैसे करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम में, इसका मल्टीप्लाई इससे किया हूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे किया हूँ, इसका इससे किया हूँ, इसका इससे किया हूँ। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी, ये एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन को इंटीजर था, एक्स टू को इंटीजर था, एक्स वन एक्स टू कोई 2 इंटीजर तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज एक इंटीजर होगा, तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू लिख दिया और यहाँ पर मैंने एन बस कॉमन लिया हुआ है, बाकी सारे को अंदर लिख दिया और ये सारे एक इंटीजर ही बनेंगे, तो मैंने इसको नया नाम दे दिया कैपिटल एक्स, इसको नया नाम दे दिया कैपिटल वाई, तो ए बी डॉट एक्स प्लस एन वाई, अरे यहाँ क्या चल रहा है 1, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 1 बराबर ए एक्स प्लस एन वाई 1 था तो ये हम ए को बोले थे ए और एन का जी सी डी कितना था 1 था, यानी कि यहाँ पर ए के बारे में बोल सकते हैं ए हमारा बिलोंग कर गया था किस में, यू एन में। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए जिस जब 1 इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस एन वाई है मतलब जी सी डी ऑफ ए बी डॉट
और प्लस कॉमा एन, इनका जीसीडी वन आ रहा है, इसका मतलब ये ए बी किस में चले जाएगा हमारा, जिसका जीसीडी वन आए तो वो बिलोंग कर जाएगा यूएन में। यहाँ से ए और बी तो यूएन में थे ही, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी भी किसका मेंबर है, यूएन का। इसका मतलब ये क्लोजर तो हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिव भी हो जाएगा, तो ए डॉट बी डॉट सी ये इक्वल कर दिया मैंने ऐसे, ये भी प्रूफ हो जाएंगे। दूसरा इसमें सर्च करना है आपको आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन होता है यू एन में, आइडेंटिटी कौन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कह लिया एक्स इक्वल वन और मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी वन तो इसमें है, यानी कि वन एक ऐसा मेंबर है यू एन में जो किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बन जाएगा यू एन में। यहाँ पर आइडेंटिटी हमारा कौन हो गया, तो आइडेंटिटी हमारा वन हो गया, यू एन में आइडेंटिटी वन हो गया। उसके बाद बात करते हैं इनवर्स की, तो इसका इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स देखिए क्या है, अगर ए कोई यूएन का मेंबर है और जिस अगर ए ले लिया तो इसका इन्वर्स खोजना है। तो ये ए यूएन में है, मतलब जीसीडी इनका वन आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन लिखा जा सकता है। और एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ए डॉट समथिंग कुछ करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी कि वन आना चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने एक्स लिखा है। एक्स की वैल्यू सर्च करनी क्या है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिया जाए, तो एक्स की वैल्यू ए इन्वर्स ले लेते हैं। यहाँ पर ए इन्वर्स यानी कि जो भी होगा वो ए इन्वर्स होगा, तो वो कैसे होंगे मॉडुलो के फॉर्म में। अब जरूरी नहीं कि आपको वन बाई के ही फॉर्म में दिखाई, ये ए इन्वर्स एक नोटेशन है, जरूरी नहीं कि ये वन बाई ए ही हो, ये ए इन्वर्स तो सिर्फ यहाँ नोटेशन है। अब वो ग्रुप ले रहे हैं, मॉडुलो ले रहे हैं, तो मॉडुलो में इन्वर्स जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था जेड सेवन में लिया था इन्वर्स, देखिए टू का इन्वर्स जरूरी नहीं कि माइनस टू ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्स का मतलब ये नहीं कि उस कोई फॉर्म में ही हो। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मैंने ये देखिए लिखा था वन का इन्वर्स जरूरी नहीं, वन यहाँ तीन है, दो का इन्वर्स मतलब माइनस टू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही कि इन्वर्स लिखा, मतलब यहाँ ये सिर्फ एक नोटेशन है, जो एक्स बता रहा है एक्स क्या है इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स, ठीक है। तो ए डॉट इन्वर्स करने पे कितना आना चाहिए, वन मॉडुलो एक सॉल्यूशन होगा ये भी, क्योंकि इनका जीसीडी वन है, तो जीसीडी ऑफ ए इन्वर्स और एन इनका भी कितना आएगा, वन आएगा। अब वन आएगा तो मतलब ये ए इन्वर्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, यू एन में, यानी यू एन में इन्वर्स तो होंगे ही होंगे, कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। लास्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो सेटिस्फाई कर जाएगी, ए डॉट बी बी डॉट ए कर सकते हैं, आ जाएगा। तो यू एन हमारा क्या बन गया, अवेलेबल ग्रुप बन गया। एक जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन कि यू फाइव कैसे जनरेट करेंगे। तो यू फाइव को जनरेट करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, यू फाइव में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एन से ही होंगे, कि इनके बीच का जो जीसीडी है वो वन आना चाहिए। और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा कम से कम वन स्टार्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पाँच से कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या आएगा बताइए, पाँच के साथ जीसीडी, एक और पाँच का जीसीडी भी एक आएगा, ठीक। दूसरा दूसरा नेक्स्ट नंबर दो लीजिए, दो दो और पाँच का जीसीडी भी एक आता है इसलिए दो आ जाएगा, तीन और पाँच का जीसीडी भी एक आता है इसलिए तीन इसमें आ जाएगा, चार और पाँच का जीसीडी भी एक आता है इसलिए चार भी इसमें आ जाएंगे। तो वो सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी एक आता है वो इसमें आते चले जाएंगे, तो वन टू थ्री फोर तक आएंगे, फाइव नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर फाइव इस सेट में आएगा ही नहीं। उसके बाद देख ले कैलेट टेबल बनाया मैंने, कैलेट टेबल बनाया वन टू थ्री फोर से, वन डॉट वन ये आप नॉर्मली कर सकते हैं, पिछले भी किए, देखो एक आग बता दे रहा हूँ, टू इंटू फोर करने पे कितना होता है एट, जैसे ये टू है ये फोर है तो टू इंटू फोर करने पे कितना होता है एट, बट एट को मैंने मॉडुलो पाँच से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा तीन, तो ये तीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कैलेट टेबल बनाया, तो जो भी एलिमेंट है इन्हीं में ही बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा क्लोजर हो गया। अब क्लोजर हो गया तो ये हमारा क्लोजर के साथ साथ देखिए एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी इसमें वन है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो जाएंगे। इन्वर्स कैसे होंगे, वन देखिए जरूरी नहीं वन बाई ए ही हो ना, वन का आइडेंटिटी था वन तो वन हो गया, टू इंटू थ्री ये जो एलिमेंट है टू, टू इंटू थ्री करने पे कितना आएगा सिक्स, और सिक्स बिहेव करेगा किसके वन के, क्योंकि पाँच से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। सिमिलरली टू थ्री इंटू टू ये इसका इन्वर्स हो गया, तीन दो का इन्वर्स तीन, तीन का इन्वर्स दो, चार सेल्फ इन्वर्स है, चार इंटू चार करूँगा सोलह आ जाएगा, सिक्सटीन पाँच से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा यू फाइव भी एक अबेलियन ग्रुप जनरेट करता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।